नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मौर्य चैनल में। आप और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इससे भी मज़ेदार मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का वीडियो मैं बताने वाला हूँ कि वोकल मिक्स के बारे में, जो कि डबल आवाज़ वाला होता है, उसको कैसे मिक्स किया जाता है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया है कि डबलिंग आवाज़ वाला वोकल कैसे मिक्स किया जाता है, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, तो देखते हैं कैसे डबलिंग आवाज़ को मिक्स किया जाता है। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो देखिए, पहले तो डबलिंग आवाज़ के लिए वैसा आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। डबलिंग आवाज़ देखिए, एक हाई स्केल से होता है, एक लो स्केल से होता है। तो मैं जैसा कि डेस्कटॉप पे अभी दिखाने वाला हूँ, तो दोनों तरीका से आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगा और मैं पूरा म्यूजिक सुनाता हूँ तो कॉपीराइट का झमेला होता है, तो इसीलिए मैं केवल वोकल सुनाऊंगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा। तो देखिए, इसमें सुना रहा हूँ मैं, इसमें देखिए, इसमें देखिए, ये वाला जो है वोकल, ये ऊंचा स्केल से है। और ये वाला है नीचे से है। आपको इस तरीका से आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपका वोकल डबलिंग होता है। कोई कोई होता है कि ना इसी को डबल कर देता है, जैसे कि ये वाला है ऊपर वाला है, इसी को ना दो बार कर देता है, नीचे कर देता है। तो ऐसे कभी भी डबलिंग आवाज़ नहीं होता है। डबलिंग आवाज़ में और सेम और कर रहे हैं तो उसका ही मैं तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला है, ये वाला है, और डबलिंग आवाज़ करना एक ऊपर से एक नीचे से गाना पड़ेगा सिंगर को, और आप स्टूडियो वाले हैं तो आपको गवाना पड़ेगा, तब जाके वैसा कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर है, और दोनों को जब कर रहे हैं तो देखिए कैसा आ रहा है, आ रहा है, दोनों वोकल आ रहा है, इसमें ऊपर वाला भी आ रहा है और नीचे वाला भी आ रहा है। और एक और तरीका होता है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये प्रोजेक्ट मैं बंद कर रहा हूँ, दूसरा सॉन्ग का मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है और इसमें भी वैसा मैं किया हूँ, जो कि दूसरा मेथड में बता रहा हूँ। देखिए, ये तीन बार रिकॉर्डिंग किया हूँ और उसमें देखिए जो VST उसमें लगा है, इफेक्ट इसमें लगा है, उसमें ये भी लगा है और इसमें भी लगा है, तो सेम इसमें भी मैं दिखाता हूँ वैसा मैं किया हूँ। और इसमें भी देखिए, जो इफेक्ट इसमें लगा है वही इफेक्ट इसमें भी लगा है, सेम लगा है, केवल इसको बैलेंस करने में जो दिक्कत होता है वही दिक्कत होता है। और एक और तरीका होता है जो कि ये वाला है, देखिए, डबलिंग आवाज है ये, तो इसके लिए आपको तीन बार रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट में तो ये हो गया, देखिए सुनिए, ये जब कीजिएगा तो तीनों सेम कीजिएगा, एक जैसा कीजिएगा, क्योंकि एक ना सेंटर में रहेगा बीचों बीच, और एक देखिए यहाँ पर देखिए ये सेंटर में है, न लेफ्ट है न राइट है, ठीक। और ये देखिए लेफ्ट है, ये देखिए लेफ्ट है, और ये वाला एक राइट किया हूँ मैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ है, जो ये वाला है सेंटर में है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इस तरीका से मिक्सिंग। और जो वोकल में जो प्लगइन्स आप लगा रहे हैं मेन वोकल में, इसमें वही सेम इसमें भी लगेगा, कोई दूसरा प्लगइन्स नहीं लगेगा। हाँ, आपको अगर दूसरा लगाना है, आपको वेरिएशन चेंज करना है, तो वहाँ से कर सकते हैं, आपका इफेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। वैसे करने से लगता है कि दूसरा दूसरा आवाज़ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए तो कमेंट कर बताइए कि मुझको ये नॉलेज चाहिए। अभी मैं वोकल भी मिक्स करने के लिए बताऊंगा टोटल A to Z 100%, लेकिन अभी उसमें
टाइम है। तो यूं ही मेरे चैनल पर जैसे बने हैं वैसे ही बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट म्यूजिक के साथ और नया रिदम के साथ। तो जब तक ले चलते हैं, जय हिंद।